बॉलीवुड इंडस्ट्री में काजल देवगन की लाडली बेटी न्यासा देवगन अक्सर नाइट आउट क्लब पार्टीज में नजर आती हैं, जहां पर वो शॉर्ट ड्रेस में क्लीवेजेस दिखाते हुए ड्रिंक करती काफी असभ्य नजर आती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब न्यासा देवगन पार्टी के बाद माथे पर तिलक लगाकर अपनी माँ काजल के साथ मंदिर पहुंची थी, जहाँ पर लोगों ने इनका ये नया अवतार देखकर काफी कुछ कह दिया है। कुछ लोगों ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी है, इसे जानने के बाद आपके भी होश उठ जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि लोगों ने न्यासा की पार्टी से सीधे मंदिर जाने पर क्या क्या बोला है, पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। बॉलीवुड इंडस्ट्री खूबसूरत स्टार के न्यासा देवगन ने जब से ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया है, तब से ये हर पार्टी फंक्शन में टाइट ड्रेस पहने हुए शॉर्ट मारते हुए नजर आती हैं, जहाँ पर हर वीकेंड पर न्यासा का पार्टी लुक वायरल होता है, जिसमें सब उन्हें हद से ज्यादा हॉट और ग्लैमरस पाते हैं। लेकिन हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है, जहाँ पर न्यासा के फैंस मिस देवगन को एथनिक आउटफिट में देखकर हैरान है। कई यूजर्स ने इनकी ट्रोलिंग की है। एक यूजर्स ने लिखा, पू बनी पार्वती, तो वहीं किसी ने कमेंट किया, ये तो वही है ना जो उस गिरगिट के साथ घूम रही थी आधे कपड़े पहन के, लगता है माँ बाप धुनाने लेके जा रही है बेटी को। वही नोटिस करने वाले कई फैंस को न्यासा के चेहरे पर मंदिर जाने की खुशी नहीं दिखी, उनके एक्सप्रेशन में कहीं भी स्माइल नहीं है। लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि काजल ने अपनी बेटी को जैसे मंदिर ले जाने के लिए जबरदस्ती की हो, तब जाकर न्यासा सूट सलवार पहनकर टीका लगाकर नंगे पैर मंदिर को चली है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि न्यासा देवगन बेमन से मंदिर गई थी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।